आप लोगों ने पूरा तीन दिन तक इस आयोजन में इतने सत्रों को सुना है और अलग अलग सत्रों में अलग अलग सेगमेंट्स में प्रोग्राम हुआ है। इस बार जो हम कर पाए उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इस बार एक तो ये प्रोग्राम तीन दिन का हुआ है जिसमें करीब 25 सत्र हुए हैं और ये प्रोग्राम 17 तारीख से शुरू हो गया था जब हमने बच्चों की फोटोग्राफी प्रतियोगिता कराई थी रॉबर्ट्स केव में, तो उसमें करीब 15 बच्चे आए थे और उनकी फोटो जो उन्होंने कंपटीशन खींची थी वो यहाँ हॉल में लगी हुई थी, प्रदर्शित हुई थी। उसके अलावा हमने अर्पण प्रतियोगिता कराई और बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशॉप कराई और ये जो पूरा प्रोग्राम चला था ये आपको मालूम है। और यहाँ पर बुक फेयर एक लगा हुआ था और सामने कुछ उत्पादों की भी प्रदर्शनियाँ लगी हुई थी। तो ये सब इस बार का थोड़ा विस्तार था, पिछले बार के मुकाबले थोड़ा विस्तार हुआ था, तो हमने ये कोशिश की थी। और इस आयोजन के लिए जो मुझे कहना है, हमें सहयोग उत्तराखंड संस्कृति विभाग और अजय प्रेमजी फाउंडेशन, दून लाइब्रेरी और एडो मीडिया जो कि एक विज्ञापन एजेंसी है जिन्होंने हमें विज्ञापन लगाने के लिए शहर में दो तीन जगह थोड़ी थोड़ी जगह मुहैया कराई थी, इस तरह का सहयोग हमें थोड़ा मिला है इन संस्थाओं के माध्यम से। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर बी के जोशी जो निदेशक हैं दून लाइब्रेरी के उनका, और डॉक्टर एस फारूक, योगेश भट्ट, गीता गैरोला और मदन डुकरान, ब्रिजमोहन शर्मा और वंदना वर्मा, निवेदिता सी, शेख अमीर अहमद, प्रेम पंचोली, सुंदर बिष्ट, भारती पांडे, सुरेंद्र पुंडीर, प्रहलाद रावत, आशीष सुंदरियाल, दिनेश कंडवाल, ये तमाम लोग हैं, प्रतिभा खटियार और रवि जीना, अजय प्रेमजी फाउंडेशन के राज्य प्रमुख कंडवाल सर यहाँ हैं। तो इन सब लोगों का हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। हमारे साथी आशीष भाई तो गाड़ी में पूरा ड्राइवर की तरह लगे हुए हैं लोगों को लाने ले जाने में, इस तरह का सहयोग जो यहाँ दिखाई नहीं देता मगर लोग लगे हुए हैं, तो ये सब भी है। और आप लोगों ने भी सर्दी में कल भी आज भी और परसों भी पूरा यहाँ पर आप लोग बैठे रहे, सत्र पूरे लेट चल रहे थे और हम लोग ये मतलब अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि इतने सत्र इस तरह से हो जाएंगे और शाम को 5 बजे इतना ठंडा हो जाएगा, तो बाद में उसके आप लोग 6-7 बजे तक बैठे रहे। तो इस सब पूरे सहयोग के लिए आप पूरे प्रदेश से, मैं कहूँगा कि देश के 16 राज्यों से इस बार लोग आए हैं, शायद 17 या 18 भी वो संख्या हो सकती है, लेकिन जितना मैं अंदाज़ा लग गिनती में कर पाया वो 16 राज्यों का आंकड़ा मेरे पास है कि इस आयोजन में इस बार 16 राज्यों से लोग आए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बार की तरह ही हम लोग अगली बार भी स्मारिका प्रकाशित करेंगे जिसके संकलन का काम हम इस बार अभी कुछ दिनों के बाद ही शुरू कर देंगे। और इस बार जो स्मारिका प्रकाशित हुई है उसमें हम लोगों ने वीडियो को सुनकर देखकर उससे वो लिखा हुआ है और हमने कोशिश की है कि किसी भी वक्ता द्वारा जो कहा गया है वो छूटे ना, पूरा का पूरा उसमें आ जाए, तो वो इस तरह से उसमें काम किया गया है। अगली बार भी हम स्मारिका प्रकाशित करेंगे और अगर आप लोगों का और थोड़ा सहयोग करने वालों का हमें समर्थन मिला तो हम अगली बार भी इस आयोजन को करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है और हम शायद ऐसा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रामनाथ जी से भी निवेदन होगा कि वो भी धन्यवाद के तौर पर जरूर, और ये जो किताब है ये amazon.com पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। रानू जी प्लीज आइए। मैं आप सभी लोगों का सिर्फ धन्यवाद दे सकती हूँ क्योंकि धन्यवाद भी बहुत थोड़ा छोटा शब्द है। कुछ लोग निरंतर 3 दिन तक, हालांकि हमें बार बार कहा जा रहा था कि वेन्यू बहुत दूर है पर हमें लगता है कि जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे जो बात है वो शायद शहर में और किसी भी स्थान पर नहीं आ पाएगी, तो हम इसलिए इस वेन्यू को सेलेक्ट करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। और मैं उन लोगों का जो प्रतिभागियों का जो यहाँ निरंतर रोज आ रहे हैं 3 के 3 दिन, उनका दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ में हमें जो थोड़ा बहुत सहयोग संस्कृति विभाग, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और दून लाइब्रेरी द्वारा दिया गया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के लिए गरम गरम चाय डाइनिंग हॉल में इंतज़ार कर रही है, आप लोग गरम गरम चाय का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात के साथ ही ये द्वितीय दून लिटरेचर फेस्टिवल की समापन की घोषणा करती हूँ। थैंक यू सो मच।